तो यहाँ भी क्या है कि मेरे पास मंथली शीट्स होते हैं इस तरह से, मैं अप्रैल मई जून, और इस पे इनके नेम है और ये मर्ज किया हुआ है, देख लीजिए सिंपल सा, ये मर्ज किया हुआ है। और यहाँ पे जो होता है इनका मंथ टोटल होता है कि इस महीने का इतना टोटल हुआ, उसी के महीने के नीचे जो होता है प्रोग्रेसिव टोटल होता है, मतलब ये देखिए 3 13 11 3 दिख रहा है आपको, अगर आप इसमें जाए महीने जाए तो यहाँ 4 है, तो 4 में देखिए यहाँ पे 7, 4 और यहाँ नीचे 3 आ गया ना, 7 हो गया, मतलब कि मई और अप्रैल और मई का एड होके यहाँ पे दिख गया आपको। रिपोर्ट में यही चीज चाहिए, बस यहाँ पे कुछ और चाहिए कि मैं यहाँ पे करूँ अप्रैल महीने का, तो यहाँ पे अप्रैल महीने का प्रोग्रेसिव, अप्रैल महीने का प्रोग्रेसिव दिख गया हमें, क्योंकि मंथली करता हूँ, मंथली सॉरी, हाँ मंथली दिख गया, लेकिन गलत रिपोर्ट दे रहा है, ये 18 कैसे दे सकता है। हाँ सर तो आपकी मुझे आवाज बहुत दबी सी आ रही है। हेलो, यही रिपोर्ट, यही डेटा जो है यहाँ से दिखना है इसको सर, 3 13 11 जो है ये यहाँ पे शो होना चाहिए जो आपके सामने यहाँ दिख रहा है सर। लेकिन ये हमने आपको कुछ किया था, लेकिन रिपोर्ट एक गलत दे रहा है और सही तरीके से दे भी नहीं रहा ठीक है सर। इसको कुछ ऐसा करना है जो यहाँ पे रिपोर्ट आना चाहिए। तो चलिए इसकी हम दो फॉर्मूले, इसके लिए हम फॉर्मूले, इसी फॉर्मूला से होगा, हमें इसके लिए फॉर्मूला बनाना होगा। चलिए इसके लिए फॉर्मूला हम बनाते हैं डेट, इसमें डेवलपर में समझ गया ना क्या करना है सर। हेलो थोड़ा थोड़ा आगे है सर समझ। मतलब कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें सेलेक्ट करेंगे महीना, उस महीने के सीट का ये जो जितने भी आपको दिख रहा है वो रिपोर्ट का मुझे यहाँ पे दिखना चाहिए सिंबल। जैसे दो है प्रोग्रेसिव और मंथली, प्रोग्रेसिव करूंगा तो नीचे ग्रीन वाला आना चाहिए, हर एक के नीचे दिया हुआ है, एक सीक्वेंस बना हुआ है कि हर के नीचे रहेगा। और मैं मंथली करूँ तो इसके ऊपर वाला जो कलर वाला है वो कलर वाला आना चाहिए। तो यहाँ हम अगर हम अप्रैल करते हैं तो हम नॉर्मल नॉर्मली फॉर्मूला से भी ला सकते हैं, बस टोटल में हमें थोड़ा सा तिगड़म करना होगा। तो जैसे मान लीजिए ना कि मैं यहाँ पे मैच का फॉर्मूला लगाता हूँ, हम इसको बगैर वीवीए भी कर सकते हैं, देखो एक बार बगैर वीवीए करके दिखाता हूँ आपको। मैच हमने इसको सेलेक्ट किया अप्रैल के अंदर में, मैं अप्रैल के बाद में ठीक कर दूंगा, कॉमा 0 नहीं, कॉमा 0, और फिर मैं यहाँ पे एक और मैच लगाऊंगा मैच, और इसको सेलेक्ट करूंगा कॉलन के लिए, अप्रैल में कॉलन कॉमा 0, 2 एंड 2 आ गया, दूसरा नंबर रो एंड दूसरा नंबर कॉलन। तो ये दूसरा नंबर रो जो यहाँ पे आ रहा है आपका, ये आ रहा है, इसका आ रहा है, तो ये हमेशा पहले वाले के ही रहता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जहाँ पे मैंने अप्रैल मैनुअल लिख रखा है, पहले तो इसको हम कॉनकेटेनेट करके ऑटोमेट करते हैं। और इसको इनडायरेक्ट में डालना होगा ना सर, सर इनडायरेक्ट यूज होगा। हाँ हाँ इनडायरेक्ट यूज होगा। और सेम यहां भी होगा, और इसको इनडायरेक्ट में रख देते हैं। देखिए नॉर्मल एक्सेल से बनाने से क्या होता है कि कंसेप्ट पता चल जाता,
इनडायरेक्ट। अब मैं यहां पे एड्रेस का लिखता हूं, एड्रेस रो नंबर कॉमा कॉलम नंबर कॉमा एब्सोल्यूट कॉमा सीट। यहां पे सीट टेक्स्ट में हम दे देते हैं अप्रैल, तो ये अप्रैल का लोकेशन बना दिया। और फिर इसको हम वापस इनडायरेक्ट में देंगे, तो इनडायरेक्ट क्या करेगा, इसका रिजल्ट निकाल देगा। तीन निकाल दिया सर। अच्छा, ये सब फॉर्मूले को मर्ज कर देते हैं और एक सेल में लेके आते हैं, B5, और इसको भी सिलेक्ट करते हैं B5। और इस सबको इनडायरेक्ट में, कट या पेस्ट कर देता हूं, सॉरी। सबको डिलीट करता हूं। अब इसमें क्या, ये तो सिर्फ मंथली आया ना, अब यहां पे प्रोग्रेसिव देना है। यहां पे देना है कि इफ अगर यहां दैट इज इक्वल टू पी आर जी देन ये चलेगा। बस इसमें जो इसका रो नंबर है ना, यहां पे रो नंबर में प्लस वन हो जाएगा, अदरवाइज जो चल रहा है वो चलता रहेगा। समझ गया सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये तो सिर्फ मंथली के लिए बना हमारा फॉर्मूला, मंथली के लिए फॉर्मूला बना। अब इसी चीज को हमें वीवीए के अंदर इंक्लूड करना है, तो हमें, हमने क्या किया इसमें, हमने सिंपल सी बात है कि मैच लगा के मैंने इससे लिया है डेटा, इसका रो नंबर और कॉलम नंबर लिया और फिर उसको इनडायरेक्ट एड्रेस बना के इनडायरेक्ट में डाल दिया और उसका डेटा उठा लिया। कंडीशन लगा दिया कि अगर प्रोग्रेसिव है तो एक ऐड हो जाए, नहीं प्रोग्रेसिव है तो प्लस हो जाए। अब चलिए इसी के लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ पे देते हैं फंक्शन एम इनपुट। इसमें कितने इनपुट है, तीन इनपुट है, तो इसमें पहले आ जाता है आपका INT एज ए INC कर देते हैं, INC एज ए स्ट्रिंग, तीन ए पहला इनपुट है, दूसरा है आपका मंथ MM एज ए स्ट्रिंग, और तीसरा है हमारा टाइप टी एज ए स्ट्रिंग। ठीक है सर, तो फॉर्मूला हम यहां पे कुछ इसको कट करके ऊपर रख देते हैं। फॉर्मूला कुछ इस तरह से लगेगा कि MM और हमने सिलेक्ट किया पहले इसको, देन सिलेक्ट किया इसको, देन सिलेक्ट किया इसको, एक और है ना, ए भी तो है, AIC, इसको भी सिलेक्ट करना है। बट सर इन सबका सीक्वेंस कैसे पता लगेगा कि कौन सा पहले सिलेक्ट करना है कौन सा बाद में करना है? यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए ना, हम तो जैसे आपने लिख रखा या MM नहीं होगा, यहाँ पे M होगा मंथ के लिए, यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए, पूरा नाम लिख दें। हाँ, जो इसकी हेडिंग है ना,
क्योंकि जब जब आप फॉर्मूला लगाओगे या से एफएक्स पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा ना यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ठीक है। ठीक है ना। हाँ, तो ए हो गया हमारा। तो ए अब बात कर रहे हैं, दो मैच हमें लगाना है, हमें दो मैच लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देते हैं, यहाँ पे दो मैच लगाना है रो एंड कॉलम के लिए। तो डिम आर कॉमा सी, सी तो ऑलरेडी है यहाँ पे, यहाँ पे सी एल कर देता हूँ ऊपर, सी एज ए नहीं मैच नंबर है ना। अब आर इक्वल टू, मैच तो डायरेक्ट वर्क करता नहीं है इसलिए एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैच, और इसमें हमने दे दिया पहला हमारा किसको मैच करना है, रो एंड कॉलम चाहिए ना सर। तो INC इंस्टीट्यूट नेम और मंथ हो गया, और CL दो के अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पे देते हैं INC कॉमा शीट्स, शीट्स में हमने यहाँ पे क्या दे दिया, हमने दे दिया अप्रैल। तो अप्रैल किस में है, या M है आपका कि M, M नंबर शीट में जाना है, और उसके रेंज ए बाई ए के अंदर हमें मैच करके कॉमा जीरो हमने कर दिया यहाँ पे लाना है। और सेम यहाँ पे सेम चीज रहेगा इसमें भी, बस इसमें चेंज क्या होगा, या आर के जगह पे सी हो जाएगा, और यहाँ एम तो सहेगा ही, INC हो जाएगा आपका CL, और ए आपका कॉलन नहीं होगा रो होगा, क्योंकि पहला रो में हमें देखना है। तो हमारा रो एंड कॉलम मिल गया हमें क्या सर, हमें इससे रो एंड कॉलम मिल गया ना। अब मुझे इसका डेटा निकालना है सिंपल, तो डेटा निकालना है सिंपल। तो डेटा में ये देखना है कि भाई INC सब चीज है, टाइप जो है मंथ, आपका टाइप जो है प्रोग्रेसिव है, तो आर में +1 हो जाएगा, नहीं आपका मंथली है तो सेम रहेगा। तो सिंपल सा एक कंडीशन यहाँ पे देना है, तो देना है कि इफ इसमें टाइप टी इक्वल टू, एक केस सेंसिटिव होता है तो PRG देन आर इक्वल टू आर +1, ठीक है, और यहाँ पे एंड कर देते हैं एन एफ, और फिर यहीं पे आपको देना है MM इक्वल टू शीट्स, शीट्स में हमारा आ जाता है M डॉट सेल होगा, हाँ सेल, सेल्स में हमारा R कॉमा C डॉट वैल्यू। समझ में आया सर। अब यहाँ पे लगा के दिखाते हैं हम, रिजल्ट सही आ गया। हेलो, हाँ जी सर, इसको आप एक बार ड्रैग करो। हाँ इसको ड्रैग करने से पहले हमें फ्रीज करना पड़ेगा ना सर। इसका A4 है तो इसका फ्रीज 4 फ्रीज होगा, B1 पूरा फ्रीज होगा, C1 पूरा फ्रीज होगा A4 से, और B3 का 3 फ्रीज होगा। और इसको ड्रैग कर देते हैं, अब मैं मंथली की जगह पे प्रोग्रेसिव करता हूँ, प्रोग्रेसिव और मंथली में कोई चेंज नहीं है इसलिए, क्योंकि अप्रैल फर्स्ट महीना है ना, और मैं यहाँ पे मई कर देता हूँ मई, मई में इस तरह से RF क्यों आ गया, MAY मई है ना यहाँ पे, केस सेंसिटिव है क्या इसमें,
एक मिनट देखने दीजिए, ये ऐसा क्यों बुक किया? इक्वल चार। अच्छा इसमें एक स्पेस डाला हुआ है सर, अब पता चला डेटा वैलिडेशन। हाँ एक स्पेस डाला है सर, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम किया। आ गया सर, मई में यहाँ एस 11 है, 11 है सही है, और 22 है इसमें अगर हम PRG करते हैं तो। ठीक है सर, तो अब देखिए कि ए फॉर्मूला जो हमने ऊपर लगाया है कितना कॉम्प्लिकेटेड है और VVA कितना इजी है। दूसरा चीज है कि इसको लिखने में भी हमको काफी टाइम लगा है, बट अगर आप बात करें इसकी जो कि आपके सामने है यहाँ पे, हमें सिंपल सिंपली कितना आसान तरीके से हो गया क्या सर? हाँ जी सर, अब इसी में मुझे ए तो हो गया, ए हो, अब मैं यहाँ पे अगर ऑल करता हूं ऑल, तो अब ऑल का आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरा, अब सेम फॉर्मूला लगेगा यहीं पे, मैं एक और फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन ALMM। ठीक है, ALMM में हमें इनपुट कुछ नहीं करते हैं, हम इसी ऊपर वाले फॉर्मूले को ही कॉल करेंगे सर। और यहां पे लूप देंगे कि 4i चले इक्वल टू 1 टू शीट्स डॉट काउंट 1। ठीक है, तो इसमें हम ऊपर वाला फॉर्मूला जो MM फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले को हम कॉल करेंगे, लेकिन अच्छा इनपुट में मुझे ये सारा इनपुट देना पड़ेगा, माफ कीजिएगा। ABCD से कर देता हूँ, AIJ, सिर्फ मंथ नेम जो है वो नहीं होगा। हाँ नहीं, AIJ स्ट्रिंग कॉमा, ये कितने इनपुट है, 1 2 3 4। बी एज ए ऑल्सो स्ट्रिंग कॉमा, सी एज ए स्ट्रिंग। चार इनपुट है, इसमें तीन ही देना है, मंथ ऑटोमेटिक लेगा। ठीक है, और यहां पे हम कर देते हैं रिजल्ट, या वेरिएबल्स देख लीजिएगा सही से, डीम के एज ए के इक्वल टू के प्लस एमएम, एमएम में आपका ए कॉमा, उसके बाद क्या है इसमें, एम एम है मतलब कि मंथ है ना, तो मंथ की जगह पे हो जाएगा यहाँ पे शेड्स आई डॉट नेम, टी बी हो जाएगा इतने, और CLC हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ALMM इक्वल टू K होगा।
अब फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं इसमें, इसको हम इफ एरर लगा देते हैं, इफ एरर। अगर इफ एरर मतलब कि अगर एरर है मतलब कि ऑल होगा, अगर एरर हुआ तो चले ए एल एम एम। ए में हमने पहला ए सीक्वेंस ये था ना हमारा, पहला सीक्वेंस ए है, मंथ हमने डाला हुआ है, उसके बाद ए है और तीसरा में हमारा एक कॉलन है। ठीक है सर। और इसको आगे ड्रैग करने से पहले हमें वही फ्रीजिंग सिस्टम अपनाना पड़ेगा कि ए फ्रीज किया, सी वन पूरा फ्रीज होगा फोर से, और बी थ्री का थ्री फ्रीज होगा, और इसको हमने आगे की तरफ ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो ऑल करूंगा तो सम आएगा। मान लीजिए कि हम ऑल करते हैं तो यहां देखिए प्रोग्रेसिव का टोटल है या मंथली टोटल है। अगर मंथली करता हूं तो यहां पे तो 18 आ रहा है, 18 46 नहीं पूरा मैं जोड़ देता है यहाँ पे 18 46 72 21 सही है। ठीक है, और कोई मंथ, अब मंथ सेलेक्ट करता हूं तो मंथ का आ रहा है, तो प्रोग्राम सक्सेस हो गया। समझ में आया आपको ये फॉर्मूला? समझा, हमने इसी फॉर्मूले को लूप में डाल दिया भाई कि ये फॉर्मूला हर सीट के लिए चले और वैल्यू को यहाँ स्टोर करता चला जाए। क्लियर सर? गुड आउट सर इसमें जो कॉल किया है ना एमएम को, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना सर। एमएम को कॉल जो फॉर्मूला जैसे आप एक्सेल पे लगाते हैं वही फॉर्मूला हमने इस पे लगाया हुआ है, बस इसमें जो मंथ नेम था ना उसको हमने seats.i करके हम डाला हुआ है। ठीक है, अगर जैसे कोई भी फंक्शन को कहीं भी कॉल कर सकते हैं ना फिर? हाँ, कहीं भी कॉल कर सकते हैं आप। ठीक है, एक एग्जाम्पल आपके इसलिए हुआ क्योंकि हमने बताया आपको कि हम फॉर्मूले को मतलब कि इस तरह से अलग अलग फॉर्मूले ना लगा के, एक फॉर्मूले ना लगा के हम अलग अलग इसको सिंपलाइज कर सकते हैं और एक फॉर्मूले के दूसरे फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, एक क्वेरी थी, बोलिए। कि जैसे इफ हम यूज कर रहे हैं, इफ में मतलब केस सेंसिटिव होता है तो उसका कुछ मतलब ऑप्शन नहीं होता? मतलब अगर मैंने यूकेस लगा दीजिए, ये तो बताया था आपको मैं। नहीं, यूकेस से तो सर वो सारा मतलब क्या होता है कि मतलब कोई किसी ने न्यू लिखा है तो कोई स्मॉल में भी लिख सकता है कोई। हाँ, मतलब वही बोला, जहाँ पे आप कंडीशन चेक कर रहे हैं वहां पे यूकेस लगा के दोनों तरफ की वैल्यू को अपर में कन्वर्ट कर दे। दोनों तरफ की वैल्यू मतलब जहां चेक हो रही है, देखिए समझिए, जैसे कि आपने इफ लगाया और इफ के इक्वल यहाँ पे के इक्वल टू पी है, अब के ऊपर वैल्यू कोई ए हो सकता है मतलब कि छोटा बड़ा हो सकता है क्या सर? ये बोले ना आप यू केस लगाए यहाँ पे, इसको अपर में कन्वर्ट कर दिया। और पी को भी दोनों से दोनों दोनों को आप अपर में कन्वर्ट कर दें यू केस से, तो दोनों वैल्यू चाहे जो टाइप होगी यहां कंडीशन चेक होते समय कन्वर्ट हो जाएगी अपर में, सेम केस हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने फाइल भेज दिया, उसको देख लीजिए और कल की वाली फाइल पे कीजिए, और प्लीज सर कुछ बनाइए, कुछ नई चीज बनाइए और भेजिए सर। ठीक है,
तभी तो पता चले कितना सीख रहे हैं आप।